ओम नमः भास्कराय। मित्रों, आप सभी का इस बृहत जातकम नामक पाठ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं, यह सप्ताह का द्वितीय पाठ है। पाठ संख्या है 20 और पाठ का शीर्षक है नाभस योग जन्य शुभाशुभ फल विचार। इसके पूर्व आपने नाभस योगों के लक्षणों के बारे में पढ़ा। नाभस योग कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने विकल्प होते हैं और उनका लक्षण क्या है, इन सब के विषय में आपने पढ़ा। प्रस्तुत पाठ में आप उन सभी नाभस योग अर्थात दल योग, आकृति योग, संख्या योग और आश्रय योगों का जो फल है, उन फलों के बारे में पढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का मूल प्रयोजन फल प्रतिपादन करना ही है। जैसा कि आचार्य ने कहा है कि कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत्तस्य पंक्तिम समभिव्य नक्ति, अर्थात पूर्व जन्म में जो शुभाशुभ कर्म है उनके फलों का अध्ययन हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से करते हैं। अतः इस पाठ में नाभस योग जन्य जो शुभाशुभ फल हैं उन्हीं का इस पाठ में चर्चा की जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में फलों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है, ग्रह योग फल, दशा योग फल और अष्टक वर्ग फल। ग्रह योग जनित समस्त फल आजीवन मिलते रहते हैं, अर्थात ग्रहों से उत्पन्न होने वाले जितने भी फल होते हैं वे सभी फल जातक को आजीवन ही प्रभावित करते रहते हैं, जैसे पंच महापुरुष इत्यादि ग्रह योग। दशा फल में प्रारब्ध कर्मों के फलों का प्रभाव अपने अपनी दशा आने पर ही प्राप्त होता है, अर्थात ये पूर्णकालिक न होकर के केवल अल्पकालिक होते हैं, जैसे सूर्यादि ग्रहों के दशाओं का फल। पुनः अष्टक वर्ग फल गोचरी पद्धति होने के कारण बहुत ही कम समय तक मनुष्य को प्रभावित करता रहता है, अर्थात क्रियमाण कर्मों का फल अष्टक वर्ग के द्वारा किया जाता है। इसकी कालावधि दशा पद्धति से भी कम होती है। इस प्रकार दशा फलों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। नाभस योग का फल शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है तथा कुछ अवस्थाओं में मिश्रित होता है। यह पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि नाभस योगों का फल सर्वदा शुभ ही होता है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे योग हैं जो अशुभ को भी देने वाले होते हैं, जैसे श्रक योग, माला योग, सर्प योग, इस प्रकार से। तो नाभस योगों में कुछ योग का फल तो राजयोग तुल्य होता है। अतः इन सभी योगों का फल वराहमिहिर ने संक्षेप में कहा है, जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही उन्होंने कहा कि विस्तरतः तत्र तत्समासः। यवनादि आचार्यों ने तो नाभस योगों के फलों को विस्तृत रूप से कहा है, अर्थात 1800 फल उन्होंने प्रत्येक ग्रहों के कहे हैं। प्रायः नाभस योगों का फल उनके लक्षणों के अनुरूप ही होता है। यदि योग का नाम अच्छा है तो उसका फल भी शुभ होगा, और योग का नाम अशुभ है तो उसका फल भी तत्सदृश अशुभ ही होगा। नाभस योग द्वारा विशेष करके आजीविका का भी विचार किया जाता है, अर्थात कुछ ऐसे योग होते हैं जिनमें जन्म लेने वाला जातक विविध लौकिक कर्मों को करने वाला होता है, अर्थात उनके माध्यम से वह अपनी आजीविका चलाता है। जैसे हल योग में उत्पन्न जातक कृषि कर्म द्वारा अपनी आजीविका चलाता है, इसी प्रकार से वाण योग, अनेक योग वर्णित है जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि जातक की आजीविका का क्षेत्र क्या होगा, वह किस माध्यम से धन का अर्जन करेगा। अतः आजीविका निर्धारण में भी नाभस योगों का अवश्य ही विचार करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहजन्य योग हैं और इनका फल सदैव ही घटित होता रहता है, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इन योगों का फल घटित होता रहता है। अतः इन सभी दृष्टिकोण से यह पाठ ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। आइए मित्रों, इस पाठ के मुख्य उद्देश्यों की हम चर्चा करें। तो इस पाठ का प्रथम उद्देश्य यह है कि इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप समस्त नाभस योगों के शुभाशुभ मिश्रित फलों के विषय में जान सकेंगे, अर्थात कुछ ऐसे योग हैं जो शुभ फल को देते हैं, कुछ ऐसे योग हैं जो अशुभ फल को देते हैं और कुछ ऐसे योग हैं जो दोनों फलों को देते हैं, तो उनके विषय में आप जान सकेंगे। द्वितीय उद्देश्य इसका यह है कि नाभस उक्त लक्षणों के परस्पर विरोधाभास की स्थिति में उचित फल का निर्णय करने में आप दक्ष हो सकेंगे, अर्थात जब दो एक ही योग अथवा दो ग्रहों का लक्षण एक ही योग में दिखाई दे रहा हो, चाहे दो योग में समान लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो उनमें किसका हम फल कथन कहें, इस पाठ के माध्यम से आप उसको जान सकेंगे।
उक्त फलों का वैशिष्ट्य प्रतिपादन करने में दक्ष हो सकेंगे। अर्थात कुछ ऐसे विशिष्ट फल भी हैं जो राजयोग तुल्य हैं, इनको जान करके आप उनका फल कहने में सक्षम हो सकेंगे। और अंत में इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है जातक की वृत्ति अर्थात आजीविका निर्धारण करने में कुशल हो सकेंगे। जैसा कि आज वर्तमान समय में यह एक जटिल समस्या बनी हुई है कि जातक का आजीविका का क्षेत्र क्या होगा, वह नौकरी किस क्षेत्र में करेगा, तो इस पाठ के माध्यम से आप यह जान सकेंगे। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं हम इस 20वें पाठ का प्रथम श्लोक। जैसा कि श्लोक कहा गया है, इस श्लोक में आश्रय योग और दल योग का फल बताया गया है। जैसे पूर्व पाठों में बताया गया था कि आश्रय योग के 3 भेद होते हैं, रज्जु मुसल और नल, तथा दल योग के 2 भेद होते हैं, स्रक और सर्व। तो उन दोनों का फल क्या होगा, उन दोनों के फलों पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आचार्य ने कहा है, ईर्ष्यु विदेश निरतो ध्वरुचिश्च रज्ज्वाम मानी धनी च मुसले बहुकृत्य सक्तः व्यंगः स्थिराढ्य निपुणः नलजः स्रगुत्थो भोगान्वितो भुजगजो बहु दुःख भाग्यात्। अर्थात पांचों का फल इस श्लोक में आचार्य ने कहा है। जैसा कि हम इसकी व्याख्या देखते हैं, तो पूर्व पाठ में आपने रज्जु योग, मुसल योग और नल योग तथा दल योग अर्थात स्रक और सर्प योग के लक्षणों के बारे में पढ़ा। यहाँ पर केवल उनके फलों का वर्गीकरण किया जाता है। रज्जु योग में उत्पन्न जातक ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है, अर्थात वह व्यक्ति अन्य दूसरे व्यक्तियों के सुखों को देख करके ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या की भावना ऐसे व्यक्ति में अत्यधिक होती है, अर्थात जेलसी की प्रकृति उसमें होती है। पुनः ऐसा व्यक्ति विदेश निरत होता है, अर्थात वह सदा ही भ्रमणशील होता है, संचारशील विवेक वाला होता है, सदैव ही भ्रमण करने की प्रवृत्ति उसकी होती है, देशांतर भ्रमण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, तथा वह परदेश में निवास करता है, अर्थात अपने देश को छोड़कर के अन्य देश का निवासी भी होता है। इस प्रकार रज्जु योग में उत्पन्न जातक ईर्ष्यालु विदेश निरत और भ्रमणशील प्रकृति का होता है। इसके लक्षणों के बारे में आप प्रस्तुत चक्र में देखिए। पुनः मुसल योग में उत्पन्न जातक अभिमानी प्रकृति का होता है, अर्थात वह घमंडी स्वभाव का होता है, अपने आप को सर्वोत्तम समझने का प्रयास करता है तथा सामान्य जन को वह हीन समझता है। पुनः मुसल योग में उत्पन्न जातक धनवान होता है, वह अपने परिश्रम के द्वारा धन को अर्जित करता है और लोक में धनवान होता है। पुनः इस योग में उत्पन्न जातक बहुत सारे कर्मों में लिप्त रहता है, अर्थात वह अनेक प्रकार के कार्यों को करने में दक्ष होता है। जैसा कि लोक में देखा भी जाता है कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन कर रहा होता है, इस प्रकार मुसल योग में उत्पन्न जातक अभिमानी प्रकृति का, धनवान और बहुत सारे कार्यों में संलग्न होता है। पुनः नल योग में उत्पन्न जातक का स्वभाव क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, उसके विषय में हम देखते हैं। तो नल योग उत्पन्न जातक विकलांग होता है, अर्थात वह किसी न किसी अंग विशेष से हीन होता है, हो सकता है उसमें हस्त इत्यादि अवयव न हो या कोई अंग विशेष उसमें न हो, तो वह विकलांग प्रकृति का होता है। पुनः नल योग में उत्पन्न जातक स्थिरमति का होता है, अर्थात दृढ़ निश्चयी होता है, अपनी कही हुई बातों पर वह स्थिर होता है और अपने सिद्धांतों का वह पालन करने वाला होता है। जो चीज करने को वह ठान लेता है उसको वह पूर्ण करके ही मानता है। इस प्रकार नल योग में उत्पन्न जातक धनवान भी होता है और सभी कार्य को करने में निपुण होता है। संक्षेप में हम कहें तो नल योग में उत्पन्न जातक विकलांग, दृढ़ निश्चयी और धनवान तथा निपुण होता है। अब हम दल योग अर्थात स्रक योग और सर्प योग के फलों के बारे में पढ़ेंगे। लक्षण इसके पूर्व पाठों में आपको बताया ही गया है। स्रक योग अर्थात माला योग, इस योग में उत्पन्न जातक विविध भौतिक सांसारिक संसाधनों का उपभोग करने वाला होता है, अर्थात स्रक योग उत्पन्न जातक भोगशील होता है, विविध ऐश्वर्यों को वह भोग करता है। भुजक अर्थात सर्प योग में उत्पन्न जातक नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित होता है, अर्थात सर्वदा ही वह अपने परिवार से, बंधु बांधवों से, मित्रों से तथा समाज से अनेक प्रकार से दुखी होता है। अतः सर्प योग में उत्पन्न जातक अनेक प्रकार से दुखी होता है। इसका लक्षण आप इन दोनों का लक्षण आप इस प्रदत्त चक्र में देखें। इस प्रकार से आश्रय योग और दल योगों के फलों के बारे में आचार्य वराहमिहिर ने बताया है, किंतु इनमें कुछ विशिष्टता होती है। आश्रय योग का फल कब कहना चाहिए,
अथवा किस प्रकार कहना चाहिए, उस इसमें कुछ विशिष्टता होती है जिसको आचार्य वराहमिहिर ने इन शब्दों में कहा है। जैसा कि श्लोक प्रस्तुत है, आश्रयोक्तास्तु विफला भवन्त्यन्यैर् विमिश्रिताः मिश्रा यैस्ते फलं दद्युः अमिश्रा स्वफलप्रदाः। अर्थात कभी कभी नाभस योग में कथित ग्रह लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनके कारण उन दोनों के फल कथन में विषमता उत्पन्न हो जाती है। किसका फल कहाँ पर पूर्ण रूप से लागू होगा, यह कहने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है। जैसे चर राशि के केंद्रस्थ होने पर तथा सभी ग्रहों के केंद्र की स्थिति में रज्जु योग घटित होता है, किंतु ऐसी ग्रह स्थिति में कमल योग का भी निर्माण होता है। इस प्रकार की विसंगति उपस्थित होने पर किसके फल की प्रधानता होगी, यह जानने के लिए इसका हम आश्रय करते हैं। तो इसका निराकरण इस प्रकार किया जाता है कि अन्य गदादि आकृति योग से मिश्रित यदि आश्रय योग हो तो उनमें आश्रय योग का फल न कहकर गदादि आकृति योगों का ही फल कहना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम केवल आकृति योग का ही फल कहेंगे। यदि आकृति योग से भिन्न स्थिति में आश्रय योग या दल योग का निर्माण हो रहा है तो उनका फल हम कहेंगे, नहीं तो यदि आकृति से वह मिल रहा है तो हम आकृति योग का ही फल कहेंगे, आकृति से भिन्न की स्थिति में हम आश्रय योग का फल कहेंगे। इस प्रकार से गदादि आकृति योग से आश्रय योग मिश्रित न हो तो वहां पर आश्रय योग का फल कहना चाहिए। जैसे केंद्रगत स्थिर राशि हो तथा लग्न और चतुर्थ में सभी ग्रह हो तो गदा योग होता है और मुसल योग भी घटित हो रहा है यहाँ पे, अतः यहाँ पर मुसल योग का फल प्रभावी नहीं होगा किंतु गदा योग का फल प्रभावी होगा क्योंकि यह आकृति योग में परिणत है। इसी प्रकार से स्वविवेक के अनुसार आकृति योग का फल हमें कहना चाहिए। इनका इनके योगों की फलों की प्रधानता होती है, आश्रय और दल योग की प्रधानता नहीं होती है। अब हम आकृति योग के फलों की चर्चा करते हैं। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर ने इस प्रदत्त श्लोक में गदा योग, शकट योग, पक्षी योग, श्रृंगाटक योग और हल योगों के फलों के बारे में कहा है। जैसा कि श्लोक में वर्णित है, यज्वार्थ यज्वार्थ भाग सततमर्थ रुचिर गदायाम तद्वृत्ति भुक् छकटज सरुज कुदार दूतो टन कलह कृद विहगे प्रदिष्ट श्रृंगाटके चिरसुखी कृषकृद हलाख्य। इसकी व्याख्या जब हम देखते हैं तो प्राप्त करते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है गदा योग के फलों के विषय में, अर्थात यह आकृति योग का प्रथम भेद होता है। आकृति जो 20 प्रकार से बताए गए उनका प्रथम लक्षण गदा से प्रारंभ होता है, तो इसमें गदादि पांच योगों का फल बताया गया है और इनके लक्षण आप क्रमशः प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं। गदा योग में उत्पन्न होने वाला जातक यज्ञ करता होता है, अर्थात धर्माचरणशील होता है तथा अनेक प्रकार से यज्ञ याग आदि को करने वाला होता है। पुनः गदा योग उत्पन्न जातक धन का सदुपयोग करने वाला और भोगी प्रकृति का होता है तथा सर्वदा धन में ही अपनी रुचि प्रदर्शित करने वाला होता है, अर्थात वह धनार्जन हेतु सतत क्रियाशील होता है। संक्षेप में हम कहें तो गदा योग में उत्पन्न जातक यज्ञकर्ता, धन भोगी और अर्थप्रिय होता है। पुनः शकट योग में उत्पन्न जातक उसी वृत्ति का अनुसरण करने वाला होता है, अर्थात वह बैलगाड़ी, वाहन, वायुयान, ट्रेन इत्यादि का चालक होता है और उसी से धनार्जन करता है। पुनः शकट योग में उत्पन्न जातक रोगी स्वभाव का होता है, अर्थात वह नाना प्रकार से व्याधियों से पीड़ित होता है और जातक की पत्नी कुत्सित विचारों वाली होती है, अर्थात वह उसके विचार शुभ नहीं होंगे, वह कुत्सित विचारों को धारण की हुई होगी। इस प्रकार शकट योगोत्पन्न जातक शकट वृत्ति जीवी, रोगी और कुत्सित पत्नी प्राप्त करने वाला होता है। आजीविका में जब हम देखेंगे तो शकट योगोत्पन्न जातक इन माध्यम से अपने आजीविका का निर्धारण करता है। पुनः पक्षी योगोत्पन्न जातक दूत होता है, अर्थात वह दूत वृत्ति से अपनी आजीविका चलाता है, जैसे पोस्टमैन, राजदूत इत्यादि। पुनः पक्षी योग उत्पन्न जातक भ्रमणशील होता है, अर्थात देश विदेश में वह भ्रमण करता रहता है। पुनः पक्षी योग उत्पन्न जातक कलह करने वाला होता है, अर्थात वह छोटी छोटी बातों को लेकर अपना रोष प्रकट करने वाला होता है। सार में हम बोले तो पक्षी योग उत्पन्न जातक दूत प्रकृति का और अनेक प्रकार से सुख को वह प्राप्त करने वाला होता है। श्रृंगाटक योगोत्पन्न जातक दीर्घ काल तक सुखी रहता है तथा हल योगोत्पन्न जातक
कृषक होता है अर्थात कृषि वृत्ति से अपनी आजीविका का निर्धारण करता है। स्पष्टार्थ आप इस चक्र को देखिए, इनमें गदादि पांच आकृति योगों के फलों को सार रूप में बताया गया है। पुनः हम अग्रिम श्लोक के विषय में चर्चा करते हैं। इस वर्तमान श्लोक में आकृति योग के शेष योग अर्थात वज्र योग, यव योग, पद्म योग और वापी योगों के फलों के बारे में बताया गया है। जैसा कि आचार्य कहते हैं, व्रजेन्त्य पूर्व सुखिनः सुभगोति शूरो वीर्यान वितोप्यथयवे सुखितो वयोन्तः विख्यात कीर्त्यमित सौख्य गुणश्च पद्मे वाप्यां तनुस्थिर सुखो निधिकृण्य दाता। इसकी व्याख्या हम देखते हैं तो प्राप्त करते हैं कि आकृति योग में वज्रादि चार योगों का फल क्रमशः बताया जा रहा है। इन सभी योगों का लक्षण पूर्व पाठ में बताया गया और चक्र में भी प्रदर्शित है। वज्र योग में उत्पन्न होने वाला जातक अपने जीवन के आरंभ अवस्था और अंत्य अवस्था में सुखी होता है तथा मध्य अवस्था में दुखी होता है अर्थात बाल्य अवस्था और वृद्धावस्था, ये दो अवस्थाएं उसकी अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होती हैं, किंतु यौवना अवस्था में वह दुखी होता है अर्थात नाना प्रकार के व्याधियों से अथवा कष्टों से वह दुखी होता है। पुनः समस्त आयु खंड को तीन भाग विभाजित करने पर पूर्व, मध्य और अंत का भाग ज्ञात किया जा सकता है। वज्र योग में उत्पन्न जातक सौभाग्यशाली होता है अर्थात वह सर्वजन प्रिय होता है, समाज के सभी वर्गों में वह सम्मानित होता है। पुनः वज्र योग में उत्पन्न जातक अत्यंत शूर प्रकृति का होता है और अत्यंत बलशाली होता है तथा संग्राम में अति प्रवीण होता है। सारे शब्दों में हम बोले तो वज्र योग में उत्पन्न जातक बाल्यावस्था वृद्धावस्था में सुखी सौभाग्यशाली शूरवीर और बलशाली होता है। आगे हम बढ़ते हैं श्रृंखला में, तो यव योग में उत्पन्न जातक आयु के मध्य भाग में अत्यंत सुखी होता है तथा आरंभ भाग और अंत भाग में दुखी होता है अर्थात बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में वह कष्ट को प्राप्त करता है, किंतु युवावस्था ऐसे जातकों का अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो इस प्रकार हम यव योग में उत्पन्न जातक यौवनावस्था में सुखी होता है ऐसा फल कहना चाहिए। पद्म योग में उत्पन्न जातक विख्यात कीर्ति वाला होता है अर्थात ऐसे जातक की कीर्ति समस्त विश्व में प्रसरित होती है। कुछ लोग की कीर्ति होती है जो सीमित क्षेत्र तक ही होती है, किंतु कमल योग में उत्पन्न जातक की कीर्ति प्रसरित होती है अर्थात समस्त उसकी कीर्ति देश विदेश तक फैलती रहती है। इस प्रकार पद्म योग में उत्पन्न जातक अमित सौख्य और गुणों को धारण करने वाला भी होता है अर्थात ऐसे जातक अपरिमित अनंत सुखों को भोगने वाले होते हैं और अनंत गुणों को जानने वाले भी होते हैं। सार शब्द में हम कहें तो पद्म योग में उत्पन्न जातक विख्यात कीर्ति वाला और अपरिमित सुखों तथा अपरिमित गुणों का वह स्वामी होता है। आगे बढ़ते हैं, वापी योग में उत्पन्न जातक तनुस्थिर सुखी होता है अर्थात ऐसा जातक अल्प शरीर वाला होता है तथा चिरकाल तक सुखों का उपभोग करता है। पुनः वापी योग में उत्पन्न जातक निधिकृत होता है अर्थात ऐसा जातक भूमि में धन लगाने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा जातक भूमि संबंधित जितने भी पदार्थ हैं जैसे रत्न, जल, कूप, पाषाण इत्यादि, इन पदार्थों में धन लगाने वाला होता है तथा उससे धन को प्राप्त करने वाला होता है। पुनः वापी योग में उत्पन्न जातक दाता नहीं होता है अर्थात वह कृपण प्रकृति का होता है। सार शब्दों में हम कहें तो वापी योग में उत्पन्न जातक तनुस्थिर सुखी, निधिकृत और अदाता होता है। जैसा कि आप चक्र में स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हैं वज्रादि योगों के फलों के बारे में। अब हम इसी श्रृंखला में आकृति योग के अन्य योग अर्थात यूप योग, शर योग, शक्ति योग और दंड योग के फलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर ने इस श्लोक में कहा है, त्यागात्ममान क्रतुवरैर् यजते च यूपे हिंस्रोथ गुप्त्यधिकृतः शरकृच्छराख्ये नीचो लसः सुखधनैर्व्युतश्च शक्तौ दंडे प्रियैर्विरहितः पुरुषोऽन्त्यवृत्तिः। इसकी व्याख्या जब हम जाते हैं तो प्राप्त करते हैं कि यूप योग में उत्पन्न होने वाला जातक त्यागशील होता है अर्थात वस्तुओं का संग्रहण नहीं करता तथा आत्मवान होता है अर्थात धैर्यशाली होता है और प्रमाद करने वाला होता है अर्थात एक एक शब्द को लेकर के या एक एक विषय को लेकर के वह प्रमाद करने वाला होता है। पुनः यूप योग में उत्पन्न होने वाला जातक श्रेष्ठ यज्ञों को करने वाला होता है अर्थात वह अत्यंत धार्मिक प्रकृति का होता है तथा देव द्विज साधु में आस्था रखने वाला होता है।
इस प्रकार सार रूप में हम कहें तो यूप योग में उत्पन्न जातक त्यागवान, आत्मवान और यज्ञकर्ता होता है। शर योग में उत्पन्न होने वाला जातक हिंसक स्वभाव का होता है, अर्थात अन्य प्राणियों का वध करने में उसकी रुचि होती है। पुनः शर योग में उत्पन्न जातक गुप्त अधिकृत होता है, अर्थात निर्माण करने वाला होता है। इस प्रकार शर योग उत्पन्न जातक हिंसक, दंडनायक और आयुध निर्माणकर्ता होता है। शक्ति योग में उत्पन्न जातक नीच प्रकृति का होता है, अर्थात लोक विरुद्ध आचरण करने वाला होता है। पुनः शक्ति योग उत्पन्न जातक आलसी होता है, अर्थात वह कार्य करने में कुशल नहीं होता है। पुनः शक्ति योग में उत्पन्न जातक सुख से विहीन होता है, अर्थात वह दुखी होता है और धन से भी हीन होता है, अर्थात वह निर्धन होता है। इस प्रकार शक्ति योग उत्पन्न जातक नीच, आलसी, सुख एवं धन से विहीन होता है। दंड योग में उत्पन्न होने वाला जातक आत्मीय जनों से रहित होता है, अर्थात माता, पिता, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि से विहीन होता है। पुनः इसी योग में उत्पन्न होने वाला जातक अंत्यवृत्ति करने वाला होता है, अर्थात दास वृत्ति इत्यादि करने वाला होता है। इस प्रकार सार शब्दों में हम कहें तो दंड योग में उत्पन्न जातक आत्मीय जनों से रहित एवं दास वृत्ति करने वाला होता है, जैसा कि आप चक्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने आकृति योग के कुछ योगों के फलों के बारे में जाना। पुनः अग्रिम पाठ्यांश में हम इसके शेष फलों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।